हाय फ्रेंड, आज हम मल्टीमीटर के बारे में जानकारी लेंगे। मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर कैसे काम करता है और मल्टीमीटर को यूज कैसे करें। सबसे पहले मैं फ्रेंड आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम चंद्रमणि मौर्य है, ठीक है, और मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है टेक्निकल चंदू के नाम से। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको टेक्निकल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको टेक्निकल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या किसी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज मेरा टॉपिक है कि मल्टीमीटर होता क्या है, आखिर ये मल्टीमीटर है क्या, क्या होता है, किस काम का होता है और मल्टीमीटर को यूज कैसे करें, मल्टीमीटर से क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ मल्टी का मतलब क्या होता है। इसका नाम है मल्टीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो मल्टी का मतलब होता है जिस युक्ति की सहायता से, कोई भी युक्ति हो जिस युक्ति की सहायता से हम कई सारे काम कर सके, अकेला युक्ति हो उसी की सहायता से हम, कोई भी उपकरण हो उसी की सहायता से हम कई सारे काम कर सके, वो जो होता है जो उपकरण होता है उसे मल्टी कहते हैं, मल्टीपर्पज़ यूजेज, जिसको मल्टीपर्पज़ यूजेज कहते हैं, जिसको मल्टी लगा होता है। ठीक है, मीटर का मतलब होता है जिस युक्ति की सहायता से हम किसी भी यूनिट को मेजर कर सके। ठीक है, किसी भी यूनिट को मेजर कर सके वो मीटर होता है। और मल्टी का मतलब होता है मल्टी में, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे फ़ोन हो गया मेरा। ठीक है, फ़ोन की सहायता से हम फ़ोन भी कर सकते हैं और क्या बोलते हैं कि मैसेज भी कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, नेट भी यूज कर सकते हैं, तो वो मल्टीपर्पज हो गया। ठीक है, कई सारे काम कर सकते हैं, एक ही चीज़ है मेरे पास, मेरा एक ही फ़ोन है लेकिन उससे कई सारे काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये है, ये मल्टीमीटर है जिसकी सहायता से हम कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे इसको मल्टीमीटर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं AVO, एम्पियर वोल्ट ओम मीटर, AVO मीटर इसको भी गौर कहते हैं कि AVO मीटर। तो मल्टीमीटर को AVO मीटर भी कहते हैं, मल्टीमीटर भी कहते हैं। मल्टीमीटर में एम्पियर को भी मेजर कर सकते हैं, वोल्ट को भी मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ये AC सप्लाई वाले वोल्ट को मेजर करने का सिंबल बना हुआ है, तो वोल्टेज AC सप्लाई 750 वोल्ट तक। एम्पियर को भी मेजर कर सकते हैं, DC सप्लाई को भी मेजर कर सकते हैं, DC वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं डायोड को भी मेजर कर सकते हैं, कंटिन्यूटी को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको मेजर कैसे करें। ठीक है, तो फ्रेंड इसके साथ आप देख सकते हैं ये जो लीड है ये एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है। ठीक है, दो लीड इसके साथ में मिलते हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कॉमन, जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन में हम ये जो ब्लैक वाला होता है इस ब्लैक वाले लीड को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए अगर वोल्टेज, यहाँ देखिए वोल्टेज ओम मिली एम्पियर, ठीक है, एम्पियर अगर नापना हो, वोल्टेज और एम्पियर को अगर नापना हो तो हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, वोल्टेज और ओम को नापना हो तो इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर एम्पियर को हमें नाप, एम्पियर को हमें कनेक्ट करके देखना है एम्पियर मीटर कैसे लगाया जाता है, तो एम्पियर मीटर सीरीज में लगाया जाता है। तो सीरीज में लगाया जाता है तो एम्पियर तब बताता है जबकि उस पर कोई लोड होता है। ठीक है, लोड होता है तो एम्पियर बताता है कि नहीं कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर की धारा उसमें ले रहा है, कोई भी लोड कितने एम्पियर की धारा ले रहा है, तो उस टाइम मेरा एम्पियर बताता है। तो हम इसको सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आपको एक सर्किट डायग्राम बना के बता देते हैं। जैसे कि मेरा ये हो गया पी और ये हो गया एन, पावर सप्लाई पी हो गया, एन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया एम्पियर मीटर। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ लिया, यहाँ मोटर हो गया। ठीक है, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो एम्पियर मीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे सीरीज में लगा होता है। तो सीरीज में हम लगाने के लिए, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये इस पे कर देंगे। ठीक है, इसमें कर देंगे। और अगर एम्पियर नापना है तो इसमें देखिए आप टाइम क्या दिया हुआ है, एम्पियर 10 एम्पियर तक माप सकते हैं इससे, 10 एम्पियर तक, मैक्सिमम 10 एम्पियर तक माप सकते हैं। और 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का मतलब ये मल्टीमीटर 10 सेकेंड तक ही इसको बर्दाश्त कर सकता है, कनेक्ट करके देख सकता है। जैसे यहाँ पे हुआ तो एक पॉजिटिव को यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे एक आउटपुट में यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे इसको कनेक्ट करके यहाँ से मल्टीमीटर, देखिए माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, मिली एम्पियर है,
ये 20 मिली एम्पियर है, 200 मिली एम्पियर है, 10 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। 10 एम्पियर पे अगर चेक करना है तो यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करके हम एम्पियर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। एम्पियर का, सिर्फ एम्पियर को चेक करने के लिए इसमें कनेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद अगर वोल्टेज को चेक करना है तो आप ये जो बीच वाला है, इस वाले पॉइंट पर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि और सारे जो फंक्शंस हैं उसको कैसे कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑफ पोजीशन पे है, ठीक, यहाँ ऑफ पोजीशन पे। अब मुझे पहले मुझे डीसी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, और डीसी वोल्टेज इसमें कितने मैक्सिमम कितना चेक करने के लिए दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे 200 मिली वोल्ट दिया गया है, 2000 मिली वोल्ट दिया गया है, ठीक है, 20 वोल्ट दिया गया है, 200 वोल्ट दिया गया है, और 1000 वोल्ट, अधिक से अधिक 1000 वोल्ट और कम से कम 200 मिली वोल्ट तक इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एसी सप्लाई वाला जो वोल्टेज होता है, एसी सप्लाई वोल्टेज को चेक करने के लिए 750 अधिक से अधिक और कम से कम 200 वोल्ट तक हम इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायोड का सिंबल बना हुआ है, हाँ, यहाँ डायोड का, यहाँ बजर का। तो इसकी सहायता से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी को चेक करते हैं और डायोड को भी चेक करते हैं, ठीक है। तो डायोड को भी हम चेक करके आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, 200 ओम का रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, 2000 ओम का भी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, 20K का भी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, और यहाँ 200K का रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, 2000K का भी रेजिस्टेंस, 2000K का, 200K का, 20K का और 2000 ओम का, ऐसे सारे रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अब 20K का मतलब क्या होता है कि 20000 ओम, ठीक है, 20000 ओम का अगर कोई रेजिस्टेंस हमें चेक करना हो तो हम इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को हम चेक करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा लीड कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास ये है बैटरी, ठीक है, ये बैटरी है, मेरी बैटरी कितनी चार्ज है और कितने वोल्ट की है ये तो मेरे को मालूम है, 9 वोल्ट की है, लेकिन कितनी चार्ज है इसको मेरे को देखना है, ठीक है। तो इसको मेरे को ऐसे देखिए, आप मल्टीमीटर में क्या करेंगे, अगर ये आप जानते हैं कि 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे जाके ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप जैसे 9 वोल्ट का है तो जितने वोल्ट हो उस वोल्ट से अधिक वोल्टता पे उसको सेट किया जाता है, कम वोल्टता पे सेट करेंगे तो जल जाएगा मेरा मल्टीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अधिक वोल्टता पे मैंने सेट कर दिया, 9 वोल्ट का है तो 20 वोल्ट पे चेक सेट कर दिया। अगर यहाँ पे मिली वोल्ट पे चेक सेट करते हैं तो मेरा मल्टीमीटर जलने का चांस होता है, ठीक है। तो 20 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया, अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, देखिए ऐसे लेना है मेरे को और ये ऐसे और यहाँ ऐसे सेट कर देना है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मेरे को टच कराना है और आप इसमें देख सकते हैं 9.17 वोल्टेज, इतना वोल्टेज इसमें धारा है, ठीक है, इतना वोल्टेज की हमें इसमें प्राप्ति हुई कि नहीं, इतना वोल्टेज है। इस तरीके से हम डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अगर मेरा ये 9 वोल्ट की जगह 24 वोल्ट का होता तो मैं किस पे चेक करता, तो 9 वोल्ट की जगह अगर 24 वोल्ट का होता तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ 200 पे ले आते, ठीक है। अगर 200 पे ले आते तो 200 पे लाने के बाद हमें पता चलता कि 24 वोल्ट का चेक करता तो मेरे को 24 वोल्ट प्रदर्शित करता कि 24 वोल्ट है, 25 वोल्ट है, 26 वोल्ट है, टॉलरेंस आता है थोड़ा 10%, ठीक है। तो उसमें कम और अधिक हो सकता है फुल चार्जिंग होने के बावजूद। और अगर 1000 वोल्टेज चेक करना है तो हम इस पे 1000 पे कनेक्ट करके यहाँ पे इसको सेट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको एसी सप्लाई, एसी वोल्टेज को चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ऑफ हो गया, अब देखिए ये एसी हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया 200। अगर देखिए मेरा 200 पे सेटिंग है, अगर 200 पे मैं चेक करता हूँ तो मेरा मल्टीमीटर जलने का चांस होता है, क्योंकि हम ये तो नहीं जानते कि इसमें कितने वोल्ट की धारा है, ठीक है। अब कितने वोल्टता है इसमें ये तो मेरे को मालूम नहीं, अधिक से अधिक मतलब 220 वोल्ट से तो ऊपर ही होगा, तो यहाँ पे 200 वोल्ट दिया है तो अब मेरे को 200 की जगह यहाँ पे 750 वोल्ट पे हमें देखो सेट कर देंगे, ठीक है। 200 पे चेक कर सकते हैं जब मेरे लाइट थोड़ी धीमी हो या हम जानते हैं कि नहीं थोड़ा वोल्टेज कम है तो 200 पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर जो 909 ट्रांसफार्मर आता है, 12012 ट्रांसफार्मर आता है, उसकी आउटपुट चेक करनी है तो मेरे को 200 वोल्ट पे सेट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 750 वोल्टेज पे सेट कर दिए, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे, मेरे को डरना बिल्कुल नहीं कि नहीं यार ये पतला तार है तो ख़राब हो जाएगा मेरा मीटर, ये हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे हमने सेट कर दिया है, ऑन है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बोर्ड का ये स्विच है, ठीक है, इस स्विच को हम ऐसे ऑफ करे रहेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें ऐसे डाल देता हूँ, ठीक, ऐसे डाल के ऐसे पकड़े रहूँगा, ऐसे इसमें ऐसे डाल के ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो आपको मल्टीमीटर दिखाऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ऐसे स्विच को ऑन कर दिया, ठीक, ऐसे स्विच को मैंने यहाँ से ऑन कर दिया,
और आप यहाँ पे मल्टीमीटर मेरा देख सकते हैं, 225 वोल्ट, 225 वोल्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, 225 वोल्ट इस समय है। अगर 200 पे मैं किया होता तो अब तक तो जल गया होता मेरा मीटर, इसलिए मेरे को 750 पे वोल्ट पे मैंने सेट कर ही दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको एसी सप्लाई को चेक कर सकते हैं। ऐसे निकाल दिए, फिर अगर सेट करना चेक करना है तो ऐसे चेक कर लिए। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमें एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और एम्पियर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि एम्पियर को कैसे चेक करेंगे, तो एम्पियर को आप वैसे ही चेक कर लेंगे जैसा मैंने बताया। ठीक है, और आपको हम एक रेजिस्टेंस को चेक करके बताते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ऐसे घुमा के ऐसे लाना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मेरा अभी मेरे को ये मालूम नहीं है, ये रहा मेरे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रहा मेरे पास रेजिस्टेंस और इसको मेरे को चेक करना है। ठीक है, तो अब मेरे को मालूम तो है नहीं कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो अब ये सोचते हैं कि नहीं यार ज़्यादा ओम का होगा तो जल जाएगा, तो मीटर रेजिस्टेंस से नहीं जलता है, वोल्टेज से जलता है, खराब होता है। ठीक है, तो आप मेरे को ऐसे देखिए क्या करना है, ऐसे पकड़ना है एक पॉइंट पे, एक रेजिस्टेंस लेना है, एक टर्मिनल पॉइंट को इस पे, एक टर्मिनल पॉइंट को इस पे रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है, तो मतलब ये 200 ओम से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे हम यहाँ 2000 ओम पे सेट करेंगे, 2000 ओम पे सेट कर दिए। ठीक है, 2000 ओम पे सेट कर दिए, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए 964 ओम दिखा रहा है। ठीक है, तो 964 ओम दिखा रहा है, तो मतलब ये मेरा 964 ओम का है। 964 ओम मतलब 1000 ओम का मतलब होता है कि एक 1K। ठीक है, 1K होता है। अगर देखिए वही चीज़ हम इसको अगर के जो 20K दिया है, 20K पे सेट करेंगे तो मेरा 1K बताएगा। ठीक है, देखिएगा ये रहा, देखिए 0.9695, तो जो टॉलरेंस होता है 5% का ये है, तो 5% का कम है तो वो बढ़ के उतना हो जाएगा। ठीक है, तो 1K दिखाएगा। अगर अधिक ऊपर करते तो मेरे को मेजर करके फिर लाना पड़ेगा नीचे, तो इसलिए मैं इस पे सेट कर लेंगे। अगर ऐसे चेक करते रहेंगे, अगर ये मेरा 50K का रहा तो ऐसे करेंगे, नहीं हुआ तो 20K पे किए, नहीं हुआ तो फिर 200 पे करके इसको सेट चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके कंटिन्यूटी, अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है जैसे मेरा एक वायर है। ठीक है, अब जैसे ये मान लीजिए ये मेरे पास एक वायर है। ठीक है, अब मेरे को मालूम नहीं है कि वायर सही है या ख़राब है, अब मैं इसको लाइन में लगा रहा हूँ वो मेरा काम नहीं कर रहा है, तो होता है यार वायर ख़राब हो गया, तो मैं इसको दो वायर अगर इसके साथ लपेटे हो तो मैं कैसे जानूंगा कौन सा वायर खराब है, तो इसको मेरे को कंटिन्यूटी चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक वायर सही है या ख़राब है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये पॉइंट जो है इसको घुमा करके ये यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ला लेंगे ये बजर वाले के पास। ठीक है, तो बजर वाले के पास लाने के बाद इसको प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं रहा, किधर भी टच करा के हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से लिए ऐसे, ठीक है, ये लिए और यहाँ पे ये कंटिन्यूटी ऐसे पकड़ लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सुनसुनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है, और यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है। 0-0 का मतलब होता है कंटिन्यूटी अच्छी है, ये अच्छा वायर है, एकदम अच्छा है, खराबी थोड़ा भी नहीं है। और अगर मैं उसी के जगह कोई अचालक पदार्थ लेता हूँ, जैसे ये पेन हो गया, तो यहाँ पे इसे कराऊंगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब एकदम ख़राब है ये अचालक है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बीच में ब्रेक होता तो ये नहीं बजता बजर, अगर बजर बजता है तब तो मान लीजिए सही है, अगर नहीं बजता है तब तो ख़राब है कंटिन्यूटी। इस प्रकार से हम कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। अब बात आती है डायोड पे। ठीक है, तो अब हम आपको डायोड के बारे में बताते हैं कि डायोड को कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक डायोड है। ठीक है, ये ज़्यादा एम्पियर का है, ज़्यादा वाटेज का है, इसलिए मेरे पास ये इतना मोटा डायोड है। ठीक है, बहुत मोटा है। ठीक है, तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे डायोड पे फिक्स मेरा किया हुआ है। अब इसमें पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इसमें भी होता है एक पी और एक एन होता है। तो देखिए अगर मेरा पॉजिटिव पे, ये देखिए मेरा पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ लगा, निगेटिव वाला निगेटिव की तरफ लगा, तब तो मीटर में कुछ ना कुछ तो रीडिंग जरूर बताएगा। जो रीडिंग बताया तो समझ लीजिए ये सही है, अगर रीडिंग नहीं बताया तो समझ लीजिए खराब हो चुका है डायोड। ठीक है, तो आपको हम दिखा देते हैं कि ये देखिए मेरे पास ये दो ये ऐसे पॉइंट है, ये रहा डायोड। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये वाइट वाला जो है, वाइट वाला इस तरफ है और ब्लैक वाला इस तरफ। ऐसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं बता रहा है, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये रिवर्स वायर में काम कर रहा है। ठीक है, इसको धारा को वापस नहीं आने दे रहा है, इधर से मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ और इधर निगेटिव कनेक्ट किया हूँ, इधर से वापस नहीं आने दे रहा है, मतलब ये
अभी फिलहाल में तो सही है। अब ऐसे ही इसको चेक कर देते हैं, ये वाइट वाला ब्लैक वाले ब्लैक से जोड़ देते हैं, माइनस से जोड़ देते हैं, और ये वाला प्लस से जोड़ देते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देख सकते हैं आप। यहाँ पे 135 रीडिंग बता रहा है, रीडिंग बता रहा है मतलब कि सही है। अगर थोड़ा सा भी रीडिंग बताता है मतलब कि सही है, अगर रीडिंग इस तरफ भी नहीं बताता तो हम समझ लेते कि ये मेरा खराब हो चुका है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये फॉरवर्ड में काम कर रहा है, इधर से पॉजिटिव धारा तो इधर आने दे रहा है ठीक है, लेकिन इधर से धारा नहीं जाने देगा ठीक है, इधर से धारा को वापस नहीं जाने देगा, ये फॉरवर्ड में काम कर रहा है। और ऐसे रिवर्स में काम कर रहा था, वापस नहीं आने दे रहा था, पॉजिटिव का निगेटिव की तरफ हो गया था, इसलिए ऐसे ऐसे ही हम लोग डायोड को चेक कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम डायोड को भी चेक कर सकते हैं और ये सब। तो फ्रेंड अगर आपको इसमें जैसे ये पॉइंट बचा हुआ है मेरा, ये पॉइंट बचा हुआ है जीनर का, और ये एच एफ ई बचा हुआ है, और ये पॉइंट जो होता है फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस, एमीटर कलेक्टर बेस एमीटर, ये सब जो होता है ये ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए होता है। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी लेनी है, ट्रांजिस्टर के बारे में जानकारी लेनी है और इन दोनों पॉइंट जो बचे हुए इनकी जानकारी लेनी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दूंगा, ये किस काम का होता है, कैसे चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं, क्या होता है ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है मल्टीमीटर, ऐसे काम करता है ठीक है फ्रेंड।